वेलकम माय डियर स्टूडेंट, आपका स्वागत है। क्वेश्चन 3, सिंप्लीफाई, सरल करें। देखिए यहां पर क्या है, एक्स स्क्वायर माइनस फाइव को एक्स प्लस फाइव से मल्टीप्लाई करना है और फिर 25 जोड़ना है। ठीक है, तो पहले वही एक्स स्क्वायर माइनस फाइव को मल्टीप्लाई करो एक्स प्लस फाइव से, उसके बाद 25 जोड़ देंगे। ठीक है, कर दीजिए। एक्स स्क्वायर को एक्स से किया तो एक्स क्यूब हो गया, पावर बढ़ गया। ये माइनस है, ये माइनस आ गया तो फाइव एक्स हो गया, फाइव एक्स स्क्वायर। देखिए अभी एक्स स्क्वायर इसमें कुछ नहीं आया है, तो हम इसको करेंगे फाइव एक्स स्क्वायर, और फाइव और फाइव को मल्टीप्लाई करेंगे तो ये माइनस का प्लस का माइनस आ जाएगा, माइनस 25 आ जाएगा। ओके, तो यहां पर आप रख दो माइनस 25, और इसके बाद में आप इसको प्लस 25 को भी इसमें जोड़ दो। प्लस 25 से माइनस 25 तो कट जाएगा आपका, तो आपका कितना रह जाएगा, एक्स क्यूब माइनस फाइव एक्स प्लस फाइव एक्स स्क्वायर, ये इसका आंसर रह जाएगा। आप इसको ढंग से लिखो तो ऐसे भी लिख सकते हो, एक्स क्यूब प्लस फाइव एक्स स्क्वायर माइनस फाइव एक्स, बात एक ही है, ये सिस्टम से लिख दिया इसको। क्लियर, पार्ट टू ऑफ क्वेश्चन 3। यहां पर क्या है, ए स्क्वायर प्लस फाइव को मल्टीप्लाई करना है बी क्यूब, ये क्यूब है ठीक है, प्लस 3 से, उसके बाद 5 जोड़ना है। ठीक है, पहले इसको कर दीजिए, ए बी, ए स्क्वायर और बी क्यूब ऐसे रहेगा, दोनों को मल्टीप्लाई कर दिया, ये प्लस का निशान है, प्लस 5 और बी क्यूब, एक तो ये हो गया। अब 3a स्क्वायर, 3 को a स्क्वायर से करेंगे तो ये प्लस का आ जाएगा 3a स्क्वायर, क्योंकि ये टर्म से मिलती नहीं है इसलिए इसको अलग से रख दिया, और उसके बाद में 3 और 5 को मल्टीप्लाई किया, प्लस है ये तो 5 तरी 15 प्लस के हो गए, और अब आप 5 ये प्लस वाला भी यहां ले आइए, हल कर लीजिए, तो ये क्या आ जाएगा, ए स्क्वायर बी क्यूब प्लस ए वाला पहले ले आइए, ठीक है, 3 ए स्क्वायर कम बद हो जाएगा प्लस 5 बी क्यूब और प्लस 15 और 5 20, यही इसका आंसर यानी उत्तर हो गया। पार्ट 3 ऑफ क्वेश्चन 3, देखिए आपको सिंप्लीफाई करना है, सिंप्लीफाई यानी कि इसको गुणा करना है, टी प्लस एस स्क्वायर को गुणा करना है टी स्क्वायर माइनस एस से। देखिए टी को टी से मल्टीप्लाई किया तो टी क्यूब हो गया, ये प्लस को प्लस से किया प्लस हो गया, टी स्क्वायर एस स्क्वायर हो गया, टी स्क्वायर एस स्क्वायर, माइनस एस को टी से गुणा किया तो माइनस एस टी, माइनस एस टी, और यहां पर प्लस और माइनस है तो ये माइनस हो जाएगा, और ये एस की पावर कितनी होगी, 2 और 1 3, ये हो गया। अब इसमें आपस में टर्म्स मिलती नहीं है इसीलिए हम इसको लिख देंगे टी क्यूब प्लस टी स्क्वायर प्लस एस स्क्वायर माइनस एस टी माइनस एस क्यूब, यही इसका आंसर हो गया। ठीक है, क्लियर। पार्ट 4 देखिए, इसमें लंबा सा है, लंबा सा है तो कैसे करेंगे, कर लेंगे, कोई दिक्कत नहीं है, देख ज्यादा बड़ा देखिए घबराओ नहीं, उसको टुकड़ों में कर लो। ठीक है, ए प्लस बी को सी माइनस डी से गुणा कर दो, पहले तो ये है, उसके बाद में प्लस, आगे का आगे देखेंगे। ठीक है, उसके बाद प्लस करना है तो आगे का देखेंगे। देखिए इसको कर लो आप, ए को सी से किया तो ए सी हो गया प्लस बी सी हो गया, ये माइनस का है तो माइनस ए डी हो गया, और ये प्लस और माइनस है तो माइनस का बी डी हो गया, ये हो गया। अब आप इसको इसमें जोड़ना है, ठीक है, क्या जोड़ना है, a माइनस बी ये, और इसको गुणा करो c प्लस डी से, इसको इससे गुणा करो, फिर प्लस आएगा, फिर तीसरा टर्म आएगा, इसको बाद में करेंगे। ठीक है, इसको कर लो तो ये कितना आया, ये आया आपका ए सी है, ए सी हो गया, और ये माइनस का बी सी हो गया, ये प्लस और ये प्लस प्लस का हो गया, प्लस का क्या हो गया, ए डी हो गया, और ये
माइनस प्लस का माइनस हो गया तो माइनस का बीडी हो गया, ये इसमें जोड़ना है, ठीक है। अच्छा अब आपका तीसरे पे आइए, ये इसको सॉल्व कर लीजिए आप, इसको प्लस करना टू है तो टू को एसी से गुणा किया तो कितना हो गया टू एसी प्लस, फिर टू को बीडी से गुणा किया तो टू बीडी। अब आपको एक दो तीनों को जोड़ना है, यानी इसको इसके नीचे रख दीजिए, एसी है प्लस का एसी के नीचे रख दीजिए, माइनस का बीसी है ये माइनस का बीसी रख दिया, प्लस का एडी है ये प्लस का एडी रख दिया, और ये माइनस का बीडी है तो माइनस का बीडी रख दिया। टू एसी, एसी के नीचे लिखिए टू एसी, ओके, प्लस टू बीसी, ये बीसी है तो ये प्लस का है तो टू बीसी, और बी टू बी डी, ठीक है, ये टू बी डी, बस इतना ही है, इनको जोड़ दीजिए। एसी के कितने हो गए, एक दो दो चार, फोर एसी हो गया, ये टू बी डी है ना, इसको आप यहां लिखिए बी डी के नीचे लिखिए, ठीक है, प्लस टू बी डी, यहां से हटा दीजिए इसको, ठीक है, बी डी को बी डी, यहां बी सी का प्लस और माइनस है तो माइनस और प्लस से कट गया तो बी सी आएगा ही नहीं, ए डी का भी प्लस और माइनस है कट गया नहीं आएगा, और यहां पर बी डी कितना है, माइनस के दो बी डी और प्लस के दो बी डी, कुछ नहीं आएगा, ये भी जीरो आ जाएगा और ये भी जीरो हो जाएगा, तो कितना हो गया फोर ए सी, फोर ए सी ही इसका आंसर है। सारा जो ये झमेला इतना लंबा जो इसको देख के हम घबरा रहे थे ना, इतना कैसे करेंगे, इतना सा उत्तर आया है फोर ए सी, ठीक है। आप इसको स्टेप वाइज ढंग से करेंगे तो आपको कोई दिक्कत नहीं आएगी। पार्ट फाइव ऑफ क्वेश्चन थ्री, देखिए यहां पर वही आप स्टेप वाइज कीजिए, एक्स प्लस वाई को, एक्स प्लस वाई को मल्टीप्लाई कीजिए टू एक्स प्लस वाई से, उसके बाद प्लस का निशान आ गया, इसको अपन बाद में देखेंगे, ठीक है। इसको आपने कर लिया तो टू एक्स को कितना हो गया, टू एक्स स्क्वायर हो गया प्लस टू एक्स, ओके, और ये एक्स और वाई को प्लस का है तो इसके नीचे रख दीजिए प्लस का एक्स वाई, और ये y का है तो y स्क्वायर हो गया प्लस y स्क्वायर, ठीक है। इसको जो है आप ये जोड़ दीजिए 2x स्क्वायर प्लस दो एक 3x y प्लस y स्क्वायर, ये तो ये हो गया। अब इसको देखिए ये क्या है, x प्लस टू वाई, इसको गुणा कीजिए x माइनस y, ओके, x को x के किया x स्क्वायर हो गया प्लस 2 एक्स वाई, एक्स वाई, अब इसको माइनस को कीजिए माइनस एक्स वाई है माइनस एक्स वाई, ओके, और ये माइनस और प्लस को किया तो क्या आएगा, ये आ जाएगा माइनस टू वाई स्क्वायर, छोड़ दीजिए एक्स स्क्वायर, ये प्लस और माइनस का है, प्लस का टू एक्स वाई है माइनस का एक्स वाई है तो प्लस का एक एक्स वाई हो जाएगा, और ये माइनस का टू वाई स्क्वायर। अब ये प्लस वाला निशान है इसलिए इसको इसको और इसको जोड़ दीजिए, यानी इसके अंदर इसको जोड़ दीजिए, टू एक्स स्क्वायर को इसके नीचे लिख दीजिए, आप चाहे इसके नीचे इसको लिख दो या इसके नीचे इसको लिख दो, बात एक ही है, टू एक्स स्क्वायर प्लस थ्री एक्स वाई, एक्स वाई के नीचे लिख दीजिए प्लस थ्री एक्स वाई, और ये प्लस वाई स्क्वायर, इसको जोड़ दीजिए, ठीक है, ये प्लस का ही है, ये भी प्लस का, ये भी प्लस का है, तो ये हो गया टू और वन थ्री एक्स स्क्वायर, प्लस के हैं दोनों तो प्लस थ्री और वन फोर एक्स वाई, यहां माइनस के दो है प्लस का एक है तो यहां पर हो जाएगा माइनस के ज्यादा है तो माइनस वाई स्क्वायर, यानी कि थ्री एक्स स्क्वायर प्लस फोर एक्स वाई माइनस वाई स्क्वायर, ये आपका फाइनल आंसर हो गया। पार्ट सिक्स, यहां पर देखिए एक्स प्लस वाई को मल्टीप्लाई करना है इससे, ये ज्यादा है इसमें टर्म्स ज्यादा है ना, तो इसको आप ऊपर ले लीजिए, ठीक है, इसको आप ले लीजिए एक्स स्क्वायर माइनस एक्स वाई प्लस वाई स्क्वायर, इसको मल्टीप्लाई कर लीजिए एक्स प्लस वाई से, पहले एक्स से कर लीजिए इसको, तो एक्स और एक्स को एक्स क्यूब हो गया ये, माइनस एक्स और एक्स कितना हुआ एक्स स्क्वायर, और ये वाई प्लस एक्स वाई स्क्वायर, ये तो एक्स से हो गई तीनों चीजें, तीनों तीनों इसके जो
टर्म है, पद है, वो इससे हो गए। अब वाई से कर दीजिए, वाई एक्स स्क्वायर, ठीक है। अब वाई एक्स स्क्वायर इसमें है नहीं, इसीलिए ये है ना एक्स स्क्वायर, ये ना वाई एक्स स्क्वायर, एक्स स्क्वायर वाई या वाई एक्स स्क्वायर, तो ये वाई एक्स स्क्वायर, ये एक्स स्क्वायर को वाई से गुणा किया तो एक्स स्क्वायर वाई हो गया, तो एक्स स्क्वायर वाई, ये प्लस के हैं दोनों तो ये प्लस के हो जाएंगे। अब देखिए माइनस एक्स वाई स्क्वायर हो जाएगा, माइनस एक्स वाई, वाई से करेंगे स्क्वायर, माइनस एक्स वाई स्क्वायर, एक्स वाई यहाँ आएगा, माइनस एक्स वाई स्क्वायर ये आ गया, और वाई को वाई से, वाई का पावर थ्री हो जाएगा, ठीक है। ये प्लस का निशान है और वाई को वाई स्क्वायर से गुणा किया तो वाई का पावर थ्री होगा, क्लियर कंप्लीट। अब आप इसको जोड़ दीजिए एक्स क्यूब, अब ये प्लस माइनस कट गया, प्लस जीरो हो गया, और ये भी प्लस माइनस कट गया, प्लस जीरो हो गया, और यह हो गया प्लस वाई क्यूब, यानी आपका आंसर क्या रह गया, एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब। पार्ट सेवन ऑफ क्वेश्चन थ्री, देखिए यहां पर इसको इससे गुणा कर लीजिए, उसके बाद में उसमें से ये घटा दीजिए और ये जोड़ दीजिए। तो अपन को पहले ये, क्योंकि इसमें तीन टर्म है इसलिए इसको ऊपर लिखते हैं ताकि आसानी रहे, 1.5x प्लस 4y प्लस 3, ओके, इसको मल्टीप्लाई करना है 1.5x माइनस 4y से, ठीक है। 1.5 को गुणा कीजिए, यानी आप पहले जो है जीरो को हटा दीजिए, पहले 15 को गुणा कर लीजिए, तो 15 को 15 से गुणा किया तो 5 5 75 और 225, यहां रख दीजिए 225, और इसके बाद में एक और एक दो पॉइंट है तो यहां पर लगा दीजिए पॉइंट 2.25, एक्स को एक्स से मल्टीप्लाई का एक्स स्क्वायर हो गया, मल्टीप्लाई किया एक्स को एक्स से, एक्स स्क्वायर हो गया, ये प्लस का निशान है, ये प्लस का निशान लग गया। 4 को 1.5 से, वही आप कीजिए 1.5 का पॉइंट एक बार हटा दीजिए, 4 से गुणा कर दीजिए 60 हो गया, 60 के अंदर क्योंकि पॉइंट इसमें तो है नहीं, इसमें है पॉइंट एक है, तो इसलिए 6 के 0 यानी 6 हो जाएगा ये। 4y को 1.5 से करेंगे तो 6 हो जाएगा और ये एक्स वाई हो जाएगा, एक्स और वाई। आइए टर्म 3 पे, 1.5 को 3 से, यानी 1.5 को 3 से गुणा 45 आ गया, पॉइंट लगाइए यहाँ क्योंकि इसमें पॉइंट एक दशमलव के बाद है, इसमें नहीं है, तो 4.5, ओके, ये एक्स हो गया, 4.x हो गया, ये हो गया पहला लाइन। अब आपको माइनस 4 से गुणा करना है इसको, माइनस 4 को 1.5, अभी हमने किया था कि 4 को 1.5 से 6 आया था, तो 6xy आ जाएगा, ये xy है तो ये माइनस है, तो ये माइनस 6xy, ठीक है। माइनस 4y को 1.5x से किया तो माइनस 6y आ गया। अब इसको इससे करना है तो प्लस और माइनस, तो माइनस आ जाएगा, तो आप माइनस जो है यहां पर रख दीजिए, और 4 चौक 16, 4 4 16 वाई स्क्वायर, वाई को वाई से। अब आप माइनस 4y को प्लस 3 से गुणा कीजिए तो माइनस है ये, तो ये हो जाएगा माइनस 4 3 12, 4 3 12 और वाई, ये आपका गुणा पूरा हो गया। अब आप इसको यहां पर जोड़ के रख दीजिए, कैसे, 2.25x स्क्वायर, 6xy प्लस का माइनस का कट गया, प्लस 4.5x ये आ गया, माइनस 16y ये आ गया, माइनस 12y, ये तो हो गया यहां तक का सॉल्यूशन, यहां से लेकर के यहां तक का। अब आपको करना है ये जोड़ने, माइनस इसमें लिख दीजिए माइनस 4.5x, माइनस 4.5x प्लस 12y, ठीक है। अब देखिए सिमिलर टर्म्स कहां आ रही है, 4.5x माइनस के, 4.5x प्लस के, ये प्लस के, ये माइनस से कट गए, ये 12y माइनस के हैं, ये 12y प्लस के कट गए हैं, बच गया क्या, बच गया आपके पास में 2.25x स्क्वायर माइनस 16y, जो बच गया वही आंसर हो गया, ठीक है। दिस इज द आंसर, 2.25x स्क्वायर माइनस 16y स्क्वायर, ये देखो 16y स्क्वायर है, कैसे है, ये 4 और 4 को y को गुणा किया था ना, अपनी स्क्वायर रखना भूल गए हैं भाई, यहां रख दो, ठीक है, 16y स्क्वायर, क्लियर।
पार्ट 8 ऑफ क्वेश्चन 3। देखिए यहां पर तीन तीन टर्म है, ये एक्सप्रेशन है, ये एक्सप्रेशन है, इसमें 1, 2, 3 है, इसमें तीन तीन है, तो कोई बात नहीं है, इसको लिख दिया a प्लस बी प्लस सी, इसको गुणा करना है a प्लस बी माइनस सी से, इतनी सी बात है। आप इसको जो है a को a से किया तो a स्क्वायर हो गया प्लस ए बी हो गया प्लस ए सी हो गया। ओके, ए तो निपट गया, अब बी को आइए, ये प्लस ए बी हो गया, ए बी के नीचे लिख दिए प्लस ए बी हो गया, ये प्लस बी स्क्वायर हो गया, इसको ले आइए नीचे आप, प्लस बी स्क्वायर हो गया, और ये बी सी हो गया, प्लस का बी सी पहले नहीं है तो आप यहां लिख दीजिए प्लस बी सी, ये दूसरा बी निपट गया। अब माइनस सी, माइनस ए सी, ए सी कहां है, ये ए सी है ना, ये माइनस ए सी, माइनस ए सी, माइनस बी सी, माइनस बी सी, बी सी कहां यहां है, ये कर दीजिए माइनस बी सी। ओके, अब आपका आ गया सी, माइनस और प्लस है तो माइनस हो गया, तो माइनस सी स्क्वायर, सी को सी से गुणा किया, बस इसको आप जोड़ दीजिए, ए स्क्वायर प्लस ए बी, और ए बी को जोड़ा तो कितना हो गया 2ab, ए सी से ए सी कट गया, प्लस बी स्क्वायर, बी सी से बी सी कट गया, माइनस सी स्क्वायर, यानी ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर प्लस 2ab, दिस इज द फाइनल आंसर। आशा है आपको सभी क्वेश्चंस बहुत अच्छी तरह से समझ में आ गए होंगे। इंजॉय। थैंक यू माय डियर स्टूडेंट, प्लीज लाइक एंड सब्सक्राइब।